गत वर्षों की बात है, इस वर्ष भी प्रशासन और पत्रकारों के मध्य खेले जाने वाले 2020 मैत्री क्रिकेट मैच की तैयारियों को लेकर उपजा की एक बैठक का वरिष्ठ पत्रकार असद अहमद की अध्यक्षता में स्थानीय सरोजनी नायडू पार्क में संपन्न हुई, जिसमें मार्च के प्रथम सप्ताह में SRP इंटर कॉलेज के मैदान में संभावित मैच को लेकर कप्तान और उपकप्तान समेत पत्रकार एकादश का चयन करने को लेकर बैठक में उपस्थित पत्रकारों ने अपने अपने सुझाव रखे। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा, मैच के भव्य आयोजन की तैयारियों में अभी से सभी जुट जाएं, जिसका टीम में चयन किया जाए उसका सभी साथी पालन करें। बैठक में उपजा अध्यक्ष अंजनी श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार रमेश तिवारी और आदि लोग मौजूद थे। कोच में सरोजिनी नायडू पार्क में जो मीटिंग रखी गई है पत्रकारों में, ये किसके माध्यम से रखी गई, इसका क्या कहना है, क्या उद्देश्य है ये मीटिंग का? अच्छा, ये उपजा के द्वारा मीटिंग आउट हुई थी, उसमें हर साल कोच में पत्रकार एकादशा और प्रशासन और पुलिस के मध्य मैच मैत्रीपूर्ण मैच होता आया है, तो इस वर्ष भी मैच होना है और मार्च के प्रथम सप्ताह के में मैच का बातचीत चल हो रही है कि इसमें कराया जाएगा, तो उसी में आज बैठक हुई थी और सब पत्रकार बंधुओं के विचार उसमें लिए गए थे। डिसाइड हुआ है कि टीम का चयन कर और उसकी प्रैक्टिस चालू की जाए, उसे जीतने के लिए मैत्रीपूर्ण मैच खेला जाए। ये क्या मैच जो है कब से खेला जा रहा है? मैच तो करीब करीब 6 साल हो गई, 6 वर्ष हो गए हम लोग बराबर मैच खेलते, प्रशासन से आ रहा मैत्रीपूर्ण, जिससे आपस में सामंजस्य और सौहार्द बना रहे और पत्रकारों पुलिस और प्रशासन में तालमेल बना रहे, इसलिए मैच खेलते हैं। काफ़ी सक्सेस होता है, वो पूरा सहयोग प्रशासन का और पुलिस का और जनता का मिलता चला आया है और सोच रहे हैं कि आइंदा भविष्य में भी इस प्रकार के मैच चलते रहें, इसलिए हमारे उपजा के अध्यक्ष अंजनी भाई साहब श्रीवास्तव जी के द्वारा ये आयोजन होता है। मैच प्रारंभ कब किया जाएगा सर? मैच प्रारंभ की तिथि भाई साहब बताओ, आप बताएं। अभी इसमें डेट फिक्स नहीं है, अब ये हम लोग डिसाइड करके तो बाद में अधिकारियों को अवगत करा देंगे कि किस तारीख पे है, उनसे भी स्वीकृति ले लेंगे, उनके हिसाब से आपसे सामंजस्य तारीख डिसाइड कर लीजिए। ठीक सर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन